पवन के बॉलीवुड होली सॉन्ग पर लग सकती है नज़र। जी हाँ, आपको बता दें कि पवन का जो ये बॉलीवुड सॉन्ग है, इस पर कई लोगों की नज़र है। हो सकता है कि गानों के साथ बहुत कुछ किया जाए रिपोर्ट, या फिर गानों के लिए निगेटिव पब्लिसिटी की जाए। वैसे आपको बता दें कि पवन सिंह अपने फैंस के बीच अगर आ जाए और ये कह दें कि इस गाने को सुपरहिट करना है, तो उस गाने को सुपरहिट करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको हम ये बता दें कि ये गाना आएगा तब जब होली में रह जाएंगे कुछ एक दिन। जी हाँ, लगभग 8-10 दिन रह जाएंगे तो ये गाना ज़रूर आ जाएगा। इस गाने के लिए एडिटिंग का काम, पोस्ट प्रोडक्शन का काम चालू है और इस गाने पर लागत लगी है 50 लाख। अब ये बातें कई लोगों को हजम नहीं हो रही हैं। लोगों का ये कहना है कि ये फेक न्यूज़ है और इस गाने का और भी क्रेज़ बढ़ाने के लिए ऐसी न्यूज़ को बनाया गया है। तो हम आपको बता दें कि ये न्यूज़ न हमने फैलाई है और ना ही किसी और ने। ये गाने के से जुड़े लोगों ने ही ये न्यूज़ बनाई है और लोगों के बीच ये बात कही है। वैसे ये गाना और खेसारी का गाना, जो कि बॉलीवुड सॉन्ग उनका भी आ रहा है, ये दोनों एक साल ज़रूर टकराएंगे। ये फिक्स है कि ये दोनों की रिलीजिंग डेट आगे पीछे हो या फिर एक ही दिन रिलीज़ किए जाए। वैसे एक दिन रिलीज़ करने का जोखिम कोई नहीं उठाएगा, लेकिन भाई यहाँ कुछ भी पॉसिबल है क्योंकि ये भोजपुरी इंडस्ट्री है। आपको बता दें कि ऐसा कई बार हुआ है जब पवन खेसारी के गाने फिल्में एक साथ एक ही दिन रिलीज़ किए जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि एक को लॉस होता है तो दूसरे को प्रॉफिट होता है, लेकिन यहाँ स्टारडम दिखानी है लोगों को, यहाँ दिमागी तौर पे अगर सोचा जाए। वैसे अगर इन दोनों गानों को अलग अलग डेट पे रिलीज़ किया जाएगा तो प्रॉफिट दोनों को होगा। वैसे जब से पवन के होली सॉन्ग की चर्चाएं शुरू हुई हैं, खेसारी के खेमे में खलबली मची हुई है। वैसे आपको और दूसरी खबर हम ये दे देते हैं कि इन दिनों प्रतापगढ़ में पवन सिंह की फिल्म हमार स्वाभिमान की शूटिंग चल रही है और इसकी शूटिंग बड़े ही जोरों शोरों पे चल रही है। वैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बार पवन सिंह ने ये कहा है कि किसी का यहाँ पर रहना तय नहीं होता है, एक जाता है तो दूसरा आता है, मैं सदा के लिए नहीं हूँ। लेकिन पवन की बातों को यहाँ कोई नहीं सुनता, यहाँ कंपेयर लोग करते ही हैं। और ये बात भी तय है कि पवन और खेसारी के ये जो दोनों बॉलीवुड सॉन्ग आएंगे उनमें कंपेयर होना लाजमी है। तो हमारे उस रिपोर्ट का भी आप इंतज़ार कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।